सुबह आज बोल रहे हमारी गाड़ी उधर लगी हुई, आप देख नहीं रहा होगा बट इस टाइम पे भैया आए, भैया ने कहा कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, ओनर कॉल करता है। सुबह जब भी बाइक लग चुकी है स्टैंड पे और यहाँ पे अभी होगी इसकी सर्विस। ऑयलिंग ठीक है ना चैन पे? हाँ ऑयलिंग ठीक है। भैया फ्री चल रहा है? हाँ फ्री क्या चल रहा है, वो हिल रहा है पीछे। हिल रहा है? हाँ कैसे रहा है यार, फीलिंग तो नहीं होगी इसमें यार। भाई होगा क्या, मैं तो तब से यही सुन रहा हूँ नहीं होगा नहीं होगा। 9 मिनट से भाई, अरे इसको कुछ नहीं पता यार, भाई इसको कुछ नहीं आता बहन से। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी सिंह द्वार, जहाँ पे है KTM का शोरूम। बस यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे शोरूम में और तब दिखाते हैं आपको इसकी सर्विस। और बस इसी के साथ हम पहुंच जाएंगे शोरूम में जहाँ से हमने इसको निकाला था। ये रहा बजाज KTM का शोरूम और अभी लगाते हैं इसे सीधे अंदर। सर्विस अंदर। सो गाइस यहाँ से आएगी अभी लिफ्ट नीचे और इसको लगाना है ऊपर। हाँ सेकंड, हाँ सेकंड है, सेकंड फ्री। और भाई फिर कैसा? और सुबह हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे, साउंड रखते हैं अंदर। आ चुकी है हमारी बाइक जो अभी जाएगी वहाँ पहुँच मैंने धुलने के लिए। सो गाइस अभी बाइक लग चुकी है स्टैंड पे और यहाँ पे अभी होगी इसकी सर्विस। तो अभी बताते हैं इस पर कौन कौन से पार्ट डलेंगे आज। और सर्विस करवा रहा हूँ मैं 6000 किलोमीटर पे, क्योंकि 9 तारीख की इसकी लास्ट डेट थी सर्विस की, तो मैंने सोचा अभी करवा लेता हूँ। गाइस ये मेरा पुराना वाला एयर फिल्टर जो पूरी तरीके से मर चुका है, इसने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। सो गाइस मेरे डिस्पैच भी हो चुके हैं 6000 किलोमीटर पे पूरे ख़त्म और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं वीडियो अपलोड जो आपको मिलेगी, मतलब आप लोग अभी तक तो देख चुके होंगे इस वीडियो को तो। और इस वाली वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देना, बाकी अभी डालते हैं इस पर डिस्पैच वगैरह। सो गाइस अब लगने जा रहे हैं हमारे नए डिस्पैच जो कि रहे ये पुराने और नए में आप फर्क देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। वो तो पहले वाले तो पूरे घुस गए, वो पूरा तवा खाने लग गया था मेरा। सुबह आज बोल रहे हमारी गाड़ी उधर लगी हुई, आप देख नहीं रहा होगा बट इस टाइम पे भैया आए, भैया ने कहा कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, ओनर कॉल करता है तो देखते हैं अभी। बाकी मैं आपको बता दूंगा, बाकी चीज़ें तो वही है क्या कि 7100 डलता है इसमें इंजन ऑयल जो कि 10W50 और एयर फिल्टर डलेगा इसमें, ऑयल फिल्टर डलेगा और ब्रेक पैड मैंने डलवा दिए हैं। बाकी मैं आपको इसका प्राइस बाद में बता दूँगा कि कितना है। सो गाइस अब आप देख सकते हो गाड़ी वहाँ से स्टैंड से उतर चुकी है, इसके बाद जाएगी गाड़ी धुलने के लिए, जो काम सबसे पहले होना चाहिए वो सबसे लास्ट में हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा जो वर्कर था वो लेट आया इस वजह से बस।
सो गाइस अब जा रही है हमारी ड्यूक अंदर घूमने के लिए, जो हमारी स्कूटी की समझ हम बाहर नहीं घूम सकते। जा रही है हमारी गाड़ी घूमने के लिए अंदर, ये चले गई है और यहाँ पे अभी धुलेगी। गाड़ी धुलना शुरू हो गई है और इसके बाद पूरी गाड़ी चमकेगी। कल तक आपने देखा होगा मेरी गाड़ी कितनी गंदी हो रही थी, बट अब चमक जाएगी। सो गाइस ये था KTM शोरूम और अभी हम आ चुके हैं सर्विस करवा के। बीच में भैया ने हमें सर्विस करने नहीं दी क्योंकि ओनर बोलता है बस। और ये रहा हमारा KTM हरिद्वार जो कि आप पूरा देख सकते हो, और नीचे इसके बजाज। तो अभी वो भाई गया है टेस्ट राइड लेने की गाड़ी में, और कुछ प्रॉब्लम या फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ रहा, बस उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। और नितिन भाई आज रो गए थे भी रास्ते में बहुत, पता नहीं क्यों। नितिन भाई टॉप कितनी देखी तुमने अपनी आँखों से? 142 बोल रहे, बट लेकिन मुझे जहाँ तक हम 141 करीब गए थे। तो बाकी तो नितिन भाई की आँखें ही बंद हो रही थी और रो रहे थे वो पीछे से। वो भाई आ गया है गाड़ी लेके, तो दे 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 वो तो चेंज साइलेंसर का किट आएगा बैग दे। क्या हो गया धुआं जो निकल रहा है? अरे वो साइलेंसर पे वो चले गया ना थोड़ा पॉलिश, ये चेन ल्यूब नहीं रहता। हाँ तो बनाना। सो गाइस ये यहाँ बूमरैंग बना रहा है, बना दे जल्दी, जैसे भी बन रहा बना दे, वरना वीडियो बना दे उसकी, बूमरैंग कर देना या फिर फोटो की। चले अब बन गया। सो गाइस जब यहाँ से चलते हैं हम और देखते हैं रास्ते में कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है हम दोनों को, नितिन भाई को भी और मुझ को भी। तो चलते हैं, चल नितिन बैठ। खोल दिया? खोल दिया। चलें अब? तो गाइस अब करा दिया हमने सर्विस और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि सर्विस में हुआ क्या क्या है। फिलहाल तो हम रोड क्रॉस करते हैं। वैसे मज़ा सा तो आ रहा है एकदम थोड़ा बहुत चलाने में, थोड़ा आगे का ब्रेक अभी कम लग रहा है क्योंकि नए ब्रेक पैड डाले थे, तो वो लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आगे से हमने लेना है लेफ्ट ना, आगे से हमने लेना है राइट। अब चलते हैं और लेते हैं राइट। आंटी डर गई, आंटी डर गई। चलो अब खींच के देखते हैं जरा एक बार। भाई मजा आ रही है बट लेकिन आगे वाला ब्रेक जरा भी नहीं लग रहा है इस टाइम पे, जरा भी नहीं, पूरा पूरा दबाने के बाद भी नहीं, इसलिए अब लगना शुरू हुआ है। थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा ब्रेक का, उसके बाद ही लगेगा वो। तो अभी पहले हम जाते हैं और देखते हैं कहीं पे खाना खाने के लिए। अब लगने लग गए हैं ब्रेक इसके थोड़े बहुत, बट अब चल एकदम मक्खन से रही है।
थोड़ा बीच में हो ये रहा था वो। हेलो हेलो मैम नमस्ते। हेलो हेलो मैम नमस्ते। नमस्कार सर, बताइए। मैम वो मैंने परसों ये 390 की सर्विस करवाई थी ना, 2 या 3 दिन पहले। हाँ जी। तो मैम इस गाड़ी में तो सर्विस के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही? क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम इसके पीछे का जो टायर था वो बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बात करा देती हूँ। जी मैम बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले आप करते तो मैं मैनेजर से भी बात करा देती। मैम वहाँ अंकुश नाम का कोई लड़का था, उसने की थी सर्विस। हाँ हाँ वो ही कर रहा है अभी तो। जी मैम। और इसके आगे के ब्रेक भी नहीं लग रहे? कोई नहीं, आप एक बार मुझे बता दो। जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी भैया। भैया मैंने सर्विस करवाई थी ना परसों 390 की, तो भैया इसका पीछे का टायर जो है वो बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। पीछे का टायर? पीछे का। हाँ। अच्छा। और वो आगे की ब्रेक भी नहीं लग रहे बिल्कुल भी। कोई नहीं, आप हरिद्वार में ही रहते हैं? नहीं मैं चमोली रहता हूँ और मैं ऊपर आ चुका हूँ। ऊपर आ चुके हो? जी। पीछे के टायर बबलिंग कर रहा है पूरा पूरा, मतलब हम जितना चलाते थे उसे वो उतना भी नहीं जा रही है, और क्या बोलते मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है काफी दिनों से। अच्छा। हाँ कोई नहीं, मैं एक बार आपके मैकेनिक से बात करवा दूं। जी करवा दो। मतलब वो आईडी अंकुश। एक सेकंड सर, होल्ड पे रहो आप। जी ये बहुत टाइम से हो रहा है यार, परसों मेरे को अमित भी बोल रहा था कि तेरा टायर बबल कर रहा है। अरे उन्होंने वो पूरा टायर खोला था ना। टायर किसने खोला था? मैंने पता नहीं, टायर खोलने का काम था मेरे, पता नहीं भाई। हाँ हेलो भाई, मैंने परसों सर्विस करवाई थी ना इसकी ड्यूक 390 की। अच्छा। तो इसका पीछे का टायर पूरा बबलिंग कर रहा, आगे के ब्रेक नहीं लग रहे, और हैंडल से अजीब सी आवाज आ रही, कट 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 कट। तो ब्रेक नहीं लग रहे इसमें? ना ब्रेक लग ही नहीं रहे, और पीछे का पूरा टायर बबल कर रहा और हैंडल से आवाज आ रही है कट कट। पीछे का तो नहीं होना चाहिए। पीछे का हो रहा है पर ग्रिप भी नहीं बन रही ना ज्यादा, मतलब जैसे थोड़ा लीन करने जाओ तो यही डर लग रहा है कि गिर ना जाए। पहले नहीं होता था ऐसा कुछ। हाँ सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सोकर लीक तो नहीं है ना अगले पहिए का? नहीं नहीं। इसमें डिस्पैच चेंज कराए थे क्या आपने? पीछे के नहीं करवाए थे, आगे के करवाए थे। आगे का डिस्पैच चेंज करवाया था आपने? कौन सा करवाया था इसमें? वो 300 रुपए वाले। 300 रुपये वाला सर, वो तो मैंने भी बोला था आपको। हाँ चलो ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ ठीक है, पर लेकिन पीछे का टायर? हाँ पीछे का टायर तो फिर ऐसे बबलिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे पहले तो सीधी करके तो बबलिंग मार रहा है वो 50 की स्पीड में भी बबलिंग मार रहा है। अगर सीधी भगा रहे तो तब भी? हाँ तब भी बबलिंग कर रहा है वो। अच्छा। हाँ ग्रिप भी ठीक है टायर की? दोनों टायर की ग्रिप ठीक है ना? आगे वाले की तो पूरी सही है, पीछे वाले की ग्रिप सही है बस, लेकिन ये बबलिंग बहुत ज्यादा कर रहा है। पीछे वाले की थोड़ी घिसी भी है। नहीं नहीं उतनी नहीं घिसी है। किलोमीटर कितने चले गए आपकी गाड़ी के? 7000। 7000? हाँ हाँ 7000 में आ रही है प्रॉब्लम। हाँ चैन चून सब टाइट करवाई थी, मतलब आपने पूरा टायर खोला था उस दिन? हाँ। तब तभी से हुआ है? हाँ तभी से हो रहा। ऑयलिंग ठीक है ना चैन पे? हाँ ऑयलिंग ठीक है। पहिया फ्री चल रहा है? हाँ फ्री क्या चल रहा है, वो हिल रहा है पीछे। हिल रहा है? हाँ कैसे रहा है यार, हीलिंग तो नहीं होगी इसमें यार? भाई होगा क्या, मैं तो तब से यही सुन रहा हूँ नहीं होगा नहीं होगा। 9 मिनट से भाई, अरे इसको कुछ नहीं पता यार भाई, इसको कुछ नहीं आता वहन से कर लिया भाई। एक गेट है हरिद्वार वाले, वो सोनू भाई देख दे, इसको नहीं आती भाई सर्विस करने। तब सो गाइस मैंने कराई थी सर्विस, और उसके बाद मैं आ चुका था अपने घर यानी कि चमोली ऊपर।
बट जब मैं चमोली आया तो मुझे देखने को मिला कि जो सर्विस थी वो उतनी अच्छी हुई नहीं है जो फर्स्ट सर्विस हुई थी जैसी। मतलब फर्स्ट सर्विस तो एकदम प्रॉपर थी, गाड़ी भाग रही थी, सब कुछ थी, स्मूथनेस था, मतलब ए टू जेड चीज़ें थी, कोई भी एज सच कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। बट गाइज इस बार पता नहीं KTM हरिद्वार वालों ने किया क्या है, मैं या फिर उस बंदे ने जो वर्कर है उसने क्या किया है, मैं पूरे KTM हरिद्वार को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सीन ये है कि पिछली बार जो मून भाई सोनू भाई जो भी हैं उन्होंने जो सर्विस की थी वह अल्टीमेट थी, मतलब जिसको बोलते हैं जेन्युइन सर्विस, इस बार किसी और बंदे ने की है। और मेरा टायर बहुत बबलिंग हो रहा था, तो या तो इसी व्लॉग में बता दूंगा मैं थोड़ा बहुत आपको, या तो मैं इन फ्यूचर बताऊंगा, क्योंकि मैं आज राइड पे गया था, मतलब ये वाला व्लॉग बहुत लेट आएगा जिसमें मैं राइड में गया हूँ। तो गाइस मतलब आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, मैं KTM हरिद्वार को कॉल कर करके थक गया था, और वो बंदा मुझे बस यही कह रहा फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, वो बता नहीं रहा था कि क्या प्रॉब्लम होगी। उसने मेरा टायर खोला था, उस टाइम से हो रही थी टायर बबलिंग वाली प्रॉब्लम, बट पता नहीं क्यों गाइस मतलब इतना बेकार, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और फिर मैंने कॉल की कि भाई अभी तो मेरा टायर 80% से ऊपर बचा हुआ है, अभी गाड़ी को भी सिर्फ 7000 किलोमीटर हो रहे हैं और तुम्हारे टायर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसका वारंटी होगा। तो गाइस उन्होंने वारंटी में भी मेरे जो टायर है वो चेंज करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। यार भाई इंजन का काम थोड़ी होना है जो गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, तुम अपना टायर देखो और मेरा नया टायर दे दो, है कि नहीं, जब वारंटी में है। और परसों जब मैं कहता तो सौरभ भाई बोल रहे थे मुझे, जो वहाँ के वो हैं मैनेजर है शायद, तो वो कह रहे थे कि इसकी वारंटी बढ़ा देते हैं 4 साल की। वो तो अच्छा हुआ मैंने बढ़ाई नहीं, क्योंकि वारंटी में जब इनको सपोर्ट ही नहीं करना है मुझे कि मेरा टायर अभी वारंटी के अंदर है और इन्हें नहीं चेंज करना, तो मैं किस बात की वारंटी बढ़ाऊँ। ये मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा, और जितना भी मेरा सर्विस कॉस्ट आया वो मैं एक स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि 2700 का आया था जो भी मेरा पूरा सर्विस का था, जितना भी था डिस्क पैड वगैरह, आगे के डिस्क पैड जो है वो लोकल वाले डलाए थे मैंने, मतलब जो RC 200 पुरानी वाली आती थी या फिर Duke 390 या फिर जो भी है वो पुरानी वाली आती थी नॉन ABS वाली, तो उसके डलाए थे। तो ब्रेक उतना प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा देखने को, जब मैं वापस घर आ रहा हूँ उस वाले में। बट इस टाइम पर तो बहुत बेकार रहा मेरा वो, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब इसकी बस एक सर्विस बची है वो करवाऊँगा वहाँ, और जितना वहाँ जाना मैंने फिर लेबर चार्ज वगैरह देने, इससे बड़े तो भाई मैं खुद ही कर लूँ या फिर मैं अपने ही यहाँ करा लूँ, कम से कम मेरे 4-5 हज़ार रुपये तेल का बच जाएगा यहाँ से आने जाने में। मैं तो इसलिए ज़्यादा हूँ KTM हरिद्वार में क्योंकि मैंने वहाँ पहले से नाम सुना था और मेरे को लगता था कि यहाँ अच्छी सर्विस होगी, जो कि हुई नहीं है, मतलब बहुत बेकार रहा। तो यही है मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा।